दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल पर स्कूल में दोस्तों जो भी स्टूडेंट क्लास इलेवंथ में हैं उनके लिए मैं आज लेकर आया हूं जो भी गणित से हैं प्रश्न वाली एक दसमलव यहाँ दोस्तों एक्सरसाइज वन पॉइंट वन जो कि है एनसीईआरटी से किससे है एन सी आर टी इसका यहाँ पर तीसरा प्रश्न लेकर आया हूँ तीसरा प्रश्न चौथा प्रश्न और जो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और इसके जो भी अलग से हैं मतलब इसके जो पहले पार्ट हैं जो पहला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है वो सभी मैंने बना दिया वीडियो उसको आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए और प्रश्न में एक समलो एक एक समलो दो एक समलो तीन जो है उसको ही बना दिया है तो उसको भी आप देख लीजिए तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं प्रश्नवरी एक दशमलव तीन तो देखिए यहाँ पर क्या है पहला है यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए यहाँ पर ये जो ऐसे बना है सी की तरह है इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सबसे उचित उप तो ए यूनियन बी क्या है तो आइए इसको बताते हैं देखिए अगर ऐसा है यहाँ पर लिखा है ए प्रॉपर सबसे बी का तो ए के जो सारे अवयव है वो बी में मौजूद होंगे बिल्कुल होंगे ए के सारे अव्यव बी में मौजूद होंगे तो ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए कहा है तो ए यूनियन बी हम ज्ञात कर लेंगे देखिए ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे ए के सभी अवयव क्या अवयव बी में मौजूद हैं एक सभी अवयव बी में मौजूद हैं तो हम यहां पर लिख देंगे जैसे ए और बी बराबर बी के ध्यान दोस्तों ये हो जाएगा इसका प्रश्न संख्या तीन का अब देखिए प्रश्न चार देखते हैं जी दोस्तों प्रश्न चार क्या है यदि ए बराबर यहाँ पर देखिए समुच्च दिया है ए बराबर क्या दिया है हम आपको दिखाते हैं सही जरा आप देखिए एक दो तीन चार है बी बराबर है तीन चार पांच छह और सी बराबर है पांच छह सात आठ अच्छा, और डी बराबर है सात आठ नौ दस तो इतना दिया है तो निम्नलिखित ज्ञात की जब निम्नलिखित आपको ज्ञात क्या करना है देखिए आपको ज्ञात क्या क्या करना है पहले तो आपको ज्ञात करना है ए यूनियन बी ए यूनियन आपको बी ज्ञात करना है आप कैसे ज्ञात करेंगे ए यूनियन बी आइए आपको बताते हैं आप देखिए सबसे पहले ए यूनियन बी याद करना है तो यहाँ पर ए कितना है ए है एक दो तीन चार बी तीन चार पांच छ मैंने आपको यूनियन याद करना अभी पिछले वीडियो में बताया था उसको भी जाकर आप देख सकते हैं देखिए ए यूनियन बी कैसे याद करेंगे मतलब इन दोनों में जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे बाकी सब भी लिखेंगे तो देखिये ऐसे इसको लिखेंगे एक ब्रेकट बनाएंगे उसके बाद एक दो तीन चार है तो हम लिखेंगे एक दो देखिए तीन इसमें भी है और इसमें भी तीन है तो हम तीन सिर्फ एक ही बार लिखेंगे तीन चार पांच छ तीन चार दो बार था फिर भी हमने एक बार लिखा और पांच छह जो है इसको भी हमने लिख दिया उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड है सेकंड है ए यूनियन सी अब इसका और इसका करना है ए यूनियन सी तो देखिए एक दो तीन चार इसको लिखेंगे पांच छह न... सात आठ ये लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ इसको भी हम ब्रेकड में बंद कर देंगे उसके बाद है यहाँ पर देखिए बी यूनियन सी अब बी ये जो है बी बी जितना है और ये सी का इसमें क्या है तीन चार पांच छह पर पांच छः सात आठ तो देखिए तीन चार लिख देंगे पांच छे भी हम लिखेंगे अब ये वाला पांच छे हम नहीं लिखेंगे डबल बार रिपीट नहीं होगा उसके बाद सात आठ लिखेंगे मतलब तीन चार पांच छह सात आठ देखिए ब्रेकड बनाएंगे तीन चार पच सात आठ इतना लिख लिया उसके बाद देखिए पर फोर्थ है बी यूनियन बी यहाँ पर देखिए सॉरी ये बी यूनियन यहाँ पर डी दी कर दीजिए बी यूनियन डी तो देखिए ये कैसे निकलेगा ये ऐसे निकलेगा बी कहां पर है बी ये है देखिए बी का तीन चार पांच छह है और डी का है सात आठ नौ दस तो देखिए यहां पर लिखेंगे तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ये हो गया बी का तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ पर बी का हो गया उसके बाद आप फिफ्थ देखते हैं कैसे किया जाएगा अब फिफ्थ देखिए इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना कैसे किया जाएगा सबसे पहले है ए यूनियन बी यूनियन सी है ऐसे है तो मतलब इसको आपको तीन पार्ट में अलग अलग पार्ट में इसको तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले आप निकालिए ए यूनियन बी अब जैसे देखिए ए यूनियन बी जो आ जाएगा उसको हम अलग लिखेंगे फिर लिखेंगे जो भी आएगा ए यूनियन बी उसका यूनियन निकालेंगे सी से तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए यूनियन बी अभी हमने पीछे निकाला था ए यूनियन बी क्या निकाला था देखिए हम इसको लिख के बताते हैं आपको ए यूनियन बी ये यूनियन भी हमने निकाला था एक से छ तक एक दो तीन चार पांच छ अब देखिए इसका अब इसका यूनियन निकालना है सी से तो आइए इसको निकालते हैं अब सी का मान कितना हम देख लेते हैं देखिए सी कमान यहां पर है पाँच छे सात आठ और वो था जो हमने निकाला था ए यूनियन भी एक दो तीन चार पांच छे तो देखिए यहाँ पर है पांच छ पांच सिर्फ इसमें कॉमन है अतः हम यहाँ पर ये यह पांच छे हटा के सात आठ तक मतलब एक से आठ तक पूरा में लिखना पड़ेगा तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर एक से आठ तक यहाँ पर इक्वल का निशान लगाएंगे एक से लेकर आठ तक लिखना पड़ेगा हमें देखिए एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ देखिए फ्रेंड्स हो गया हमारा एक से आठ तक हमने लिख लिया बिल्कुल लिख लिया अब देखिए ये हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी का था उसके बाद देखिए अब यहाँ पर सिक्स देखते हैं सिक्स है ए यूनियन बी यूनियन डी अब ए यूनियन बी यूनियन डी ये कैसे निकालेंगे सबसे पहले हमें निकालना है ए यूनियन बी अब ए यूनियन बी तो अभी हमने यहाँ पर देखिए पहले निकाल लिया है ए यूनियन बी हमने निकाला है, एक दो तीन चार पांच छे हमने निकाला है बिल्कुल निकाला है तो हम यहाँ पर लिख देंगे हमें जो निकाला है यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से कर लेता हूं ए यूनियन बी निकाला था हमने एक दो तीन चार पांच ये था ए यूनियन बी उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं ए यूनियन बी यूनियन डी है तो इसका यूनियन निकालना है डी के साथ तो आइए उसको भी निकालते हैं डी कमान दिखाते हैं आपको कितना है डी कमान देखिए सात आठ नौ दस है और अभी हमने ए यूनियन क्या था जो भी था यहाँ पर देखिए ए यूनियन बी था तो देखिए ए यूनियन बी हमने निकाला था एक दो तीन चार पांच छ तो इसमें कहा ए यूनियन बी यूनियन सी सॉरी यहाँ यूनियन बी यूनियन डी है तो हम पहले तो लिखेंगे एक दो तीन चार पांच छह लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर सात आठ नौ दस लिखेंगे आइए दिखाते हैं आपको इसको कैसे लिखा जाएगा अब देखिए यहाँ पर ये डी है तो इसको आप समझ लीजिए उसके बाद हम दस तक लिखा जाएगा सात आठ नौ दस तो देखिए ये हो जाएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ और दस तक हो जाएगा अब देखिए इसके बाद हमारे लास्ट सवाल ये जो आई है इसमें की फिफ्थ सॉरी यहाँ पर फोर्थ की जो लास्ट सवाल है बी यूनियन सी यूनियन डी अब ये कैसे निकलेगा अब पहले हमें निकालना पड़ेगा बी यूनियन सी बी यूनियन सी हमने कितने निकाला है आइए देखते हैं देखिए यहाँ पर बी यूनियन सी हमने निकाला था तीन चार पांच छ सात आठ निकाला था हमने तीन चार पांच छ सात आठ निकाला था अब इसके बाद अब इसी का यूनियन बी यूनियन सी निकाल लिया था अब बी यूनियन सी यूनियन डी भी तो हमें निकालना है तो उसको आप कैसे निकालेंगे सबसे पहले देखिए हम इसको यहाँ पर मान रख लेते देखिए यहाँ पर जो है बी यूनियन सी जो है ये हो जाएगा तीन चार पांच छ सात आठ हो जाएगा बी यूनियन सी हो जाएगा इसको आप कर दीजिएगा बी यूनियन सी है और यहां पर देखिए अब बी यूनियन सी यूनियन डी क्योंकि हमें पूरा निकालना है तो देखिए ये कैसे निकलेगा डी का मान यहां पर दिया गया है सात आठ नौ दस क्या है सात आठ नौ दस इसको हमें इसके साथ निकालना है फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी क्वेश्चन तो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो देखिए यहां पर डी निकालना है बी यूनियन सी हमने निकाला उसके बाद अब डी भी साथ में निकालना है तो इसका मान देखिए है तीन चार सात आठ अब देखिए इसको कैसे निकाला जाता है आपको इसको पूरा अच्छे से समझाते हैं देखिए तीन चार पांच छ सात आठ है और यहां पर क्या है देखिए दिखाते हैं आपको यहाँ पर हा डी देखिए सात आठ नौ दस इसमें आप ढूंढिए कॉमन क्या है अब हमें कॉमन तो देखिए ना तीन कॉमन है ना चार कॉमन है पांच भी नहीं है छह भी नहीं है यहां पर लिख देखिए जो सात है और आठ है इसमें भी सात है आठ है सात और आठ कॉमन है तो देखिए सात आठ हम सिर्फ एक बार लिखेंगे और यहाँ पर देखिये जो नौ है और दस है नौ दस इसको भी हमें एक ही बार लिखना है तो देखिए हम कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं तीन लिखेंगे चार पांच छे आइए आपको लिख बताया ताकि आप अच्छे से समझ पाए अभी इसका यूनियन हमें इससे निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम देखिए यहाँ पर आप ब्रेकेट बना आप ब्रेकेट अच्छे से बना लीजिएगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे तीन लिख लिए उसके बाद हमें लिखना है चार फिर पांच छे सात अब देखिए यहाँ पर सात और आठ डबल बार था बट हमें यहाँ पर डबल बार नहीं लिखना है क्यों नहीं लिखना है मैंने आपको बताया अभी सात उसके बाद देखिए आठ फिर यहाँ पर नौ और दस यहाँ पर देखिए यहाँ से एक से हमने दस तक लिखा था लेकिन यहाँ से तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस उसके बाद हम यहाँ पर बेकट लगा देंगे अब देखिए ये निकल गया बी यूनियन से यूनियन डी का ऐसे ही आप इसको निकाल सकते हैं आपके एनसीआरटी से मैं करा रहा हूँ और आपका तीसरा और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर आज खत्म हो गया अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपका पांचवा छठवा सातवा जो भी क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लगेंगी तो आप वो भी वीडियो देखिएगा वीडियो ये वाली अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी जब अभी लॉकडाउन चल रहा है तब भी वे पढ़ाई कर पाए बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में